पार्ट वन में मैंने 5K डिपॉजिट किया था, तो यहाँ पर मैंने कुछ फैंटास्टिक विन किया है जो कि पार्ट वन में आप लोग को मैंने दिखाया हुआ है। जिन लोगों ने पार्ट वन नहीं देखा तो सबसे पहले वो पार्ट वन देख लें और इसके बाद पार्ट टू। और यहाँ पर मैंने इससे 15K विड्रॉ ले लिया था और इसके बाद जो मेरे पास अमाउंट बच गया था वो था 6K लगभग। और इससे पहले मैं वीडियो शुरू करूं तो काफ़ी सारे कमेंट्स मेरे को आते हैं अभी भी, जो न्यू यूज़र है उनके लिए ये मैं वीडियो बना रहा हूं, जो नेक्स्ट मेरी वीडियो आने वाली है कि आपको ये जो फ्री स्पिन्स है ये आपको कैसे मिल सकते हैं, मतलब आप ये इसको कैसे इतने तक ले जा सकते हो। आप डेली ले लेते, डेली के एक ही स्पिन मिलता है और आपके पास इतने ढेर सारे स्पिन कैसे आते हैं, तो उसके बारे में मैं कंप्लीट वीडियो अपलोड करने वाला हूँ। मेरी ऑलरेडी पहले ही से जो है ना इसकी वीडियो बनी पड़ी हुई है, लेकिन मैं डिटेल से अभी समझाऊंगा कि ये आप इसकी सेटिंग आपको कैसे करनी होती है और फिर आप कौन सा गेम प्ले करोगे ताकि ये फ्री स्पिन्स आपको भी मिल सकते हैं। तो कैसे हैं आप लोग, उम्मीद है कि आप लोग ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। जो भी मेरे चैनल में न्यू आए हैं इन सभी को करता है वेलकम, और प्लीज़ मेरा प्रोमो कोड को लाजमी यूज़ करें। मेरा प्रोमो कोड है MH2233। और अभी मैं आपको लेकर चलता हूँ इस वीडियो की तरफ। जैसे कि मैंने आप लोग को शुरू ही में बताया था कि आप जिन लोगों ने मेरा पार्ट वन देखा है उनको इस वीडियो की ज़्यादातर समझ लगेगी कि इससे मैंने क्रिस्टल गेम शुरुआत में ही मैंने प्ले कर लिया था, लेकिन यहाँ से मुझे कुछ ख़ास विनिंग नहीं मिल रही थी। लगभग 5K मेरे पास डिपॉजिट मैंने किया हुआ था और उससे मतलब सारा का सारा लॉस हो गया था। 600 तक मैं आ गया था और फिर उसके बाद 600 के बाद मेरा एक जैकपॉट लग गया था जिससे मैंने 21K मतलब विन कर लिया था। फिर उसके बाद मैं इस गेम क्रिस्टल गेम में आ गया और मैंने कहा कि अभी देखते हैं ये इस टाइम अभी मुझे विन दे रहा है या नहीं दे रहा है। तो इसको अभी मैंने ट्राई किया और इससे मुझे थोड़ी बहुत विन मिल गई थी, लेकिन जैसे ही मैं मज़ीद इस गेम को प्ले कर रहा था तो इसमें मुझे कुछ लॉस हो रहा था। तो उसके बाद फिर मैंने इस गेम को छोड़कर एक और गेम को मैंने प्ले किया है, वहीं से भी जो है ना मुझे काफ़ी अच्छी विन मिल गई थी। और इसके में जो 2023 का जो न्यू टिप्स एंड ट्रिक्स है ना, जो न्यू अपडेट आया हुआ है, वो आपके पास जो है ना अपनी एक्सपीरियंस अपने शेयर करने वाला हूँ। फ्रेंड्स, इसकी जो न्यू अपडेट आया हुआ है क्रिस्टल के बारे में, आप लोगों को ये बता दूँ कि इसमें अक्सर आपको ये लालच दे देता है कि मतलब इसमें जो ये जो कलर्स आते हैं, ठीक है, रेड, येलो और ठीक है ये जो क्रिस्टल आते हैं, ये बहुत सारे ऐसे आते हैं कि आप कहते हो कि यार अभी विन देगा, अभी विन देगा, मतलब चार चार छः छः सात सात जो है ना मुसलसल आते रहते हैं और उसमें बेड मतलब विन नहीं मिलता। तो आपका यही होता है कि यार अभी मेरा बेड लगेगा, अभी मेरा बेड लगेगा, लेकिन इसी दौरान ही जो है ना आप लॉस कर जाते हैं। अगर इसी तरह आपके पास भी जो है ना मुसलसल आते रहते हैं, ठीक है, तो फिर उस टाइम आप बेड को बिल्कुल भी डबल ना किया करें, ठीक है। और अभी मैं आपको और अंडर 7 के बारे में भी जो है ना एक टिप्स देने वाला हूँ। Thank you.
टाइम पे मुझे यहाँ पर लगा कि मैं सारा अमाउंट बस लॉस करने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे कुछ ज़्यादा विन नहीं मिल रही थी। तो उसके बाद मेरे एक दो शॉट यहाँ पर लग गए थे, ठीक है, जिसके बाद मैं लगभग मेरा जो अमाउंट था वो 10K तक पहुँच गया था। लेकिन मैं मज़ीदी गेम भी इसमें प्ले कर रहा था, लेकिन उसके बाद कुछ और ख़ास विन मुझे यहाँ से नहीं मिल रही थी। तो इससे बंदा आइडिया यही लगाता है कि जब मतलब आप कोई भी एक बेट लगाते हो, जैसे कि 500 लगाते हो और 2 से 3 बेट तो आपको विन दे देते हैं, लेकिन फिर उसके बाद मुसलसल आप 4 से 5 6 बेट तक जो है ना मुसलसल फिर आप लॉस कर जाते हैं। मतलब आपको 1500 तक आपको विन मिल जाती है और फिर उसके बाद जो है ना आप 3000 तक जो है ना आप लॉस कर जाते हैं। तो ये जो है ना आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं करना। जब आप लोगों को ये इस चीज़ का आइडिया लग जाता है कि भाई अभी 3 से 4 बेट जो है मैं मतलब 2 बेट मैं लॉस कर चुका हूँ जो बिग अमाउंट है, तो तीसरा तो बिल्कुल भी ना रखे इसमें, ठीक है। यहाँ पर मैं लगभग 9K तक जब मैं पहुँच गया था तो फिर मैं मुसलसल नीचे आ रहा था, डाउन आ रहा था, तो फिर उसके बाद मैंने इसको छोड़ कर, ठीक है, लगभग यहाँ पर आप मेरा अमाउंट देख सकते हैं 7K तक मैं यहाँ पर आ गया था। तो फिर उसके बाद मैंने इसको क्लोज करके और ओवर अंडर 7 पे आ गया था। तो इसके बारे में आप लोगों को अभी मैं एक टिप देता हूँ। इसमें मैंने एक बात नोट की हुई है कि जब भी मतलब इस गेम के अंदर आप एंटर होते हैं तो शुरुआत में जो है ना सबसे पहले आप मिनी बेट रखें और ये 7 से 8 बार मतलब मुसलसल आपको लॉस दे देता है, ठीक है। तो इसमें फिर आपको विन किस टाइम आपको मिलती है, एक आइडिया जब आप लगा लें कि ये अभी मैं मिनी बेट्स पे मतलब रखता हूँ, ठीक है, अभी मैंने जैसे कि अभी मैंने स्मॉल पे रखा, ठीक है, तो ये निकल आया, फिर उसके बाद दोबारा फिर मैंने रखा, फिर स्मॉल पे आया, ठीक है, तो इसी दौरान फिर मैं बेट को बढ़ा देता हूँ, ठीक है, कि ये 3 से 4 बार मुसलसल मेरे को विन मिल रहे हैं, तो इसी दौरान फिर आप लोगों में भी इस बेट को बढ़ा देना है, ठीक है। तो जब ये 4-5 बार आपको लॉस दे देता है तो 4 से 5 6 7 बार आपको यहाँ पर विन मिल जाती है। तो यही मैंने किया और इसी से जो है ना मुझे विन मिला और फिर जो मेरी दूसरी विड्रॉ है वो इसी तरह मैंने लगा दी थी। अगर इसी दौरान जैसे कि सॉरी मैं एक बेट लगाता हूँ, ठीक है, मुझे 4-5 बार लॉस हो गया और फिर उसके बाद मैं बेट को बढ़ा दी, मतलब एक बार मुझे विन हो गया तो फिर दूसरी बार भी मुझे विन हो गया, फिर उसके बाद मैं बेट को बढ़ाता हूँ, ठीक है, जैसे मैं बेट को बढ़ाता हूँ तो उस दौरान मुझे लॉस होता है, ठीक है। तो फिर वो ये नहीं कि आपने जो 1K बेट लगाया वो कंटिन्यू आप रखें, नहीं, कंटिन्यू बिल्कुल भी ना रखें। 1 टाइम आपको लॉस हो गया, ठीक है, आपने 2 टाइम आपको विन हो गया, तो तीसरी दफ़ा जब आपने बेट को बढ़ाया वो आपको लॉस हो गया, तो फिर चौथी बार आप बिल्कुल भी गेम को प्ले ना करें, ठीक है, फिर डायरेक्ट जो है ना बेट को आप नीचे ले आए, मिनी बेट रखें। जैसे कि फ्रेंड्स आप लोग ने देखा यहाँ पर 14K तक मेरा अमाउंट पहुँच गया था, लेकिन फिर उसके बाद मैं मुसलसल फिर उसके बाद डाउन आ रहा था। तो मैंने यही सोचा कि अभी जब इतना मैंने विन कर लिया है तो बस इसको विड्रॉ करना ही बेहतर बंदा समझता है। यहाँ पर अभी यह अमाउंट मेरा देख सकते हैं जो 15K का मैंने विड्रॉ लगाया था वो बिल्कुल मेरा अभी भी पेंडिंग में जारी है। तो अभी इसके बाद मैं 7K का मज़ीद विड्रॉ लगा देता हूँ। तो मिलते हैं एक और अच्छी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा।